फरुखाबाद में बीती देर रात चीता मोबाइल सिपाहियों के साथ मारपीट करने की घटना के बाद उग्र हुई पुलिस ने विकराल रूप धारण कर लिया। पूर्व सैनिक के मकान में घुसकर पुलिस कर्मियों ने सभी को जमकर पीटा और घर में तोड़फोड़ भी कर दी। तो वहीं पुलिस पर नकदी लूटने का आरोप भी लगाया गया। बता दें, शहर कोतवाली की चीता मोबाइल के सिपाही पवन कुमार ने कोतवाली में दर्ज कराए गए मुकदमे में कहा कि वो अपने साथी अजीत कुमार के साथ चीता मोबाइल पर गश्त पर थे। उसी दौरान सेंट्रल जेल नारायणपुर आर्यावर्त ग्रामीण बैंक के निकट प्रमिला क्लिनिक के गेट पर दो संदिग्ध लोग देर रात खड़े थे। जब उन लोगों को टोका गया तो वो लोग अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए सिपाही को थप्पड़ जड़ दिए। जब इसका विरोध किया गया तो उसने अपने साथियों को बुला लिया, जिस पर स्कॉर्पियो से तीन और लोग आ गए। उन्होंने एक साथ हमला किया। तो वही एक युवक रतन देश कुमार पुत्र शिव कुमार निवासी बरुआदार पचदेवरा हरदोई ने राइफल भी छीन ली, जिस पर पुलिस कर्मियों ने हैंडसन से कोतवाली को सूचना दी, जिसे हैंडसन भी तोड़ दिया। सिपाही पवन की राइफल भी छीन ली और फायरिंग शुरू कर दी। सेंट्रल जेल चौराहे के पास रात में चीता मोबाइल गश्त पे थे और उसी दौरान दो लोग संदिग्ध ऐसे दिखाई पड़े कि वे घर के दरवाजे को लॉक कर रहे थे। पूछने पर वो काफ़ी कुछ संदिग्ध से लगे और उन्होंने सिपाही के साथ बस सुनवाई शुरू कर दी। फिर जब उनसे और बातचीत की गई तो तब तक दो तीन लोग और आ गए और कुल मिलाकर के चार पांच लोगों ने मिलकर के मिसबिहेव करना शुरू किया। फिर सूचना पर थाने से फोर्स गए, उन्हें ले आने के बाद थाने पर उनके बदसलूकी के लिए और जो कुछ उन्होंने शासकीय कार्य में व्यवधान पैदा किया उसके लिए मुकदमा लिखा गया और उनकी अरेस्ट की गई है। इनकी कुल संख्या 5 है। क्या हुआ आपका? सर 12 बजे के टाइम जैसे ही वो आए तो उन्होंने गेट खोला, जाके गेट जैसे खोला तो वैसे ही एकदम दो पुलिस वाले उन्हें मारने लगे, गाली गलौज करने लगे। तो उन्होंने कहा सर ये हमारा घर है, तो उन्होंने कहा घर है तो क्या तुम कुंडी खटखटाओगे? तो उन्होंने कहा साहब सब लोग सो रहे हैं, कुंडी खटखटा के ही खोलेंगे। तो जैसे हम लोग बाहर निकल गए दोनों पुलिस वाले उन्हें खूब मार रहे थे, सीधा मारा पहले करके उल्टा मारा। फिर उन्होंने ये कहा कि लाओ अपने बचाव के लिए, बोले इसके गोली मार दो, गोली मार दो। तो उन्होंने कहा गोली साहब मत मारो। तो मैंने कहा साहब इन्हें माफ़ कर दीजिए, इनसे गलती हो गई। तो वो अंदर भाग के आया, अंदर भाग के आया तो सर गेट बंद कर लिया। भाग के जब गेट बंद किया तो उन्होंने मालूम है गेट कम से कम उसने थर्ड नंबर की पुलिस को बुला लिया, बोले थर्ड नंबर पुलिस आ जा। तो इतनी पुलिस आई सर कम से कम 50-55 के आसपास होगी। जैसे ही पुलिस आई तो वैसे ही उन्होंने क्या नाम इकट्ठा पहले बाहर वाला गेट तोड़ दिया, उसके बाद हॉस्पिटल तोड़ा, हॉस्पिटल इसमें टुके हुए इसमें टुके। मैंने डर की वजह से अपने गांव फ़ोन कर दिया घारमपुर, मैंने अपने भाइयों को बुलाया, भतीजे को बुलाया। मैंने कहा भैया देखो आके जीजा जी को पकड़ के ले जा रहे हैं, ये भाई हमारे आए तो पता है इनको भी दोनों लोगों को बिना बातों मार, जबकि वो डॉक्टर हैं ये तो पता होना चाहिए। यहाँ डॉक्टर आलोक चौहान उनके ऊपर 3-4 उनके थप्पड़ मारे, शुभम को पकड़ के मारा, अजीत को मारा सर, सभी लोगों खूब मारा जितना मार पाया उन लोगों ने। घर में क्या तोड़फोड़ की है? सर सारा सामान तोड़फोड़ फेंक दिया, 25,000 रुपए दीदी के रखे हुए थे वो भी निकाल लिए। नशे की हालत में? नशे में सर था, दोनों पुलिस वाले नशे में थे, बाकी जो आए हुए थे उनमें भी नशे में थे सर, बाकी जो आए थे। क्या नाम है जो पुलिस नशे में थे? सर उनके पुलिस वालों मुझे नाम नहीं पता सर। एक अजीत पवन।